हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैं दिल्ली सिविल डिफेंस में हूं। तो मेरी गाइस अभी सिविल डिफेंस की तरफ से एयरपोर्ट ड्यूटी चल रही है। तो भाई मेरे साथ है राजेश भाई, इनकी भी साथ में ड्यूटी चल रही है। और गाइस आज हमारी एयरपोर्ट ड्यूटी का लास्ट दिन है गाइस। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा सा एयरपोर्ट का व्यू दिखा दिया जाए, क्या क्या हमारी ड्यूटी है, कहाँ हम ड्यूटी करते हैं, हमारा क्या काम होता है। तो देखिए गाइस, इस समय हम ड्यूटी कर रहे हैं आईजीआई एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 के अंदर। गाइस आप देख लीजिए भाई टर्मिनल 3 के बाहर का व्यू, फिर मैं आपको अभी अंदर का व्यू दिखाऊंगा। तो ये देखिए गाइस, अब एयरपोर्ट के बाहर का एक बारी पूरा व्यू देख लीजिए। आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय आगमन, ये देखिए गाइस पूरे एयरपोर्ट का व्यू। गाइस आप एक बारी देख लीजिए चारों तरफ से, फिर मैं अभी आपको अंदर लेके जाने वाला हूँ। गाइस अंदर जब मेरी एंट्री होगी फिर मैं आपको दिखाऊंगा अंदर का पूरा व्यू। और गाइस ड्यूटी टाइम पे भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि क्या हमारा वर्क होता है, क्या क्या काम हमें करना होता है। तो ये देखिए गाइस, हमारी टीम के सारे मेंबर ये रहे। तो गाइस अभी कुछ ही देर में हमारी ड्यूटी शुरू होने वाली है, लास्ट दिन की हमारी ड्यूटी है। कैसा लग रहा है? बढ़िया। तो गाइस 15 दिन की हमारी ड्यूटी थी, 15 दिन ऐसे ही निकल गए, पता नहीं चला। तो गाइस चलते हैं अभी अंदर, आपको दिखाएंगे पूरा ड्यूटी का व्यू। गाइस अभी हमारा मन कर रहा है कि और हमारी 15 दिन बढ़ जाए, तो हमें बहुत ही एंजॉयमेंट और बहुत मजा आ रहा करने में। हां गाइस, तो जैसे गाइस 2 बजे से लेकर 10 बजे तक की हमारी ड्यूटी चल रही है इवनिंग शिफ्ट में। तो गाइस अभी 1:35 हो रहे हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम बच रहा था, आज हम जल्दी आ गए। तो सोचा आपको ब्लॉग बनाकर दिखा देते हैं एयरपोर्ट का थोड़ा व्यू। ये देखिए गाइस, और गाइस 10 बजे हमारी ड्यूटी यहाँ से खत्म हो गई। तो ये देखिए गाइस, आप टाइम देख सकते हैं, अभी 1:40 होने वाले हैं। तो गाइस अभी हमारे पास 20 और बच रहा है बाहर घूमने के लिए। ये देखिए गाइस, मेरे पीछे है एयरपोर्ट का 5 नंबर गेट। तो गाइस इस 5 नंबर गेट से ही मेरी एंट्री होगी, यहाँ मेरा आईडी कार्ड चेक किया जाएगा और उसके बाद मुझे अंदर एंट्री मिलेगी। तो गाइस पहले मैं अंदर एंट्री कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये देखिए गाइस, हमारी टीम के सभी मेंबर लाइन में लग गए अंदर एंट्री करवाने के लिए। ये देखिए गाइस, तो गाइस इसी लाइन में अपनी आईडी कार्ड दिखा के एंट्री होती है एयरपोर्ट के अंदर। जैसे ही आप देख सकते हैं, मैंने अपनी आईडी कार्ड चेक करवा के अंदर एंट्री ले ली है और गाइस मैं आ गया एयरपोर्ट के अंदर। फिर देखिए गाइस एयरपोर्ट के अंदर के एक बार आप व्यू देख लीजिए। अभी गाइस मुझे अपनी ड्यूटी पॉइंट तक काफ़ी अंदर और पैदल चल के जाना है गाइस, काफ़ी भी 10 मिनट और लग जाएंगे अंदर पहुँचने तक, क्योंकि मेरी ड्यूटी चल रही है अराइवल हॉल के अंदर। गाइस अभी अराइवल हॉल तक पहुँचने में कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे मुझे जाने में। तो ये देखिए गाइस, आप एक बार अंदर का व्यू देख लीजिए गाइस। तो ये देख सकते हैं गाइस, मैंने अंदर की तरफ एंट्री ले ली है, मैं जा रहा हूँ अराइवल हॉल की तरफ गाइस, जहाँ मेरी ड्यूटी है। तो ये देख लीजिए एक बार, आप अंदर का व्यू देख लीजिए गाइस। यहाँ तक आने में कम से 3 बारी मेरी आईडी चेक हो चुकी है, अभी गाइस 2 बारी हमारी आई कार्ड और चेक होंगे गाइस। जहाँ हमारा ड्यूटी पॉइंट है वहाँ तक पहुँचने में हमारे 5 बार आई कार्ड चेक होते हैं गाइस। 3 चेकिंग हमारी हो चुकी है, 2 चेकिंग और बची है गाइस। ये देखिए गाइस, आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू आता है यहाँ का। ये देखिए आप एक बार यहाँ का व्यू देख लीजिए। यहाँ गाइस आपको काफ़ी अलग अलग वैरायटी की ड्रिंक देखने को मिलेगी गाइस, काफ़ी वैरायटी की ड्रिंक है। ये देखिए गाइस, देखिए गाइस राजेश भाई और मैं काफ़ी अंदर तक आ गया चलते चलते, बस पहुंचने वाले अपने ड्यूटी पॉइंट पे। कम से कम गाइस बाहर से अंदर आने में 15 मिनट लग गया गाइस, 5 नंबर गेट से हमने आपके सामने एंट्री की थी और गाइस यहां तक पहुंचने में 15 मिनट लग गया गाइस। आप देख सकते हैं कितनी अंदर हमें ड्यूटी के लिए आना पड़ता है। राजेश भाई दोस्तों काफ़ी अंदर हमें आना पड़ता है, 5 से 6 जगह आपको आई कार्ड चेकिंग करवाना पड़ता है। हाँ गाइस, चेकिंग के अंदर ही गाइस काफ़ी लंबी लाइनें मिलती है गाइस, चेकिंग के अंदर ही गाइस काफ़ी टाइम बेकार हो जाता है गाइस। तो गाइस आ गए लिफ्ट के अंदर गाइस, अब लास्ट हमारी चेकिंग होगी, लास्ट चेकिंग के बाद हम पहुंच जाएंगे अपने ड्यूटी पॉइंट पे। ये देखिए गाइस लिफ्ट में बैठ के हम दोनों आ गए ऊपर, आप देखिए गाइस हम ही रह गए, हमारी पूरी टीम पहुंच चुकी है अपने अपने ड्यूटी पॉइंट पे, हम ही रह गए थे गाइस लास्ट में। तो गाइस हम भी जल्दी से पहुंच जाते हैं, 2 बजने में गाइस 1-2 मिनट ही बच रहा है, टाइम हो गया हमारी ड्यूटी का।
देखिए गाइस, मैंने एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर ली है। अब देखिए गाइस अराइवल हॉल का पूरा व्यू। तो ये देखिए गाइस मैं आ गया हूँ अराइवल हॉल के अंदर। तो गाइस ये हमारा ड्यूटी पॉइंट, ये देखिए गाइस एक बार आप पूरा व्यू देख लीजिए अराइवल हॉल का। मैं आपको आगे लेके चलूंगा, अभी मैं आपको आगे का व्यू दिखाऊंगा गाइस। अगर कोई प्लेन वगैरह होगा तो मैं आपको उसका व्यू दिखाऊंगा। तो देखिए गाइस अभी आप यहाँ से एक बार व्यू देख लीजिए। तो ये देखिए गाइस आप देख सकते हैं, बैठ सकते हैं अपने सभी ड्यूटी पॉइंट पे। तो देखिए तो ये देखिए गाइस ये है अराइवल हॉल गाइस, इसके अंदर हमारी ड्यूटी लगती है। तो गाइस दिन में आपको व्यू नहीं दिखा पाया क्योंकि ड्यूटी पे थोड़ा बिजी था, टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने का। गाइस रात होने वाली है, हमारी ड्यूटी भी खत्म होने वाली है कुछ ही देर में। सोचा क्यों ना आपको एक बार व्यू दिखा देते हैं यहाँ का पूरा। कैसा लग रहा है कभी? बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है। तो गाइस 15 दिन की हमारी ड्यूटी थी, 15 दिन कब खत्म होगा पता नहीं चला गाइस। वेरी नाइस। तो गाइस मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ एक बार शीशे में से, देखते हैं आपको कुछ दिखेगा। तो दिन में टाइम नहीं मिला वरना आपको काफी अच्छी अच्छी फ्लाइटें देखने को मिलती। देखिए गाइस मैं आपको यहाँ से बाहर का व्यू दिखाता हूँ। तो इस समय शायद आपको शीशे में से बाहर का व्यू सही नहीं दिख रहा होगा। तो दिन में मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता तो आपको शायद फ्लाइटें दिखाई देती काफी सारी। तो देखिए गाइस आप देख सकते हैं रनवे का व्यू। देखिए गाइस हमारे सारे स्टाफ के लोग घूम रहे हैं गाइस, कुछ ही देर की हमारी ड्यूटी रह गई है। कैसा लगा 15 दिन ड्यूटी करके? देख लीजिए गाइस एक बार पूरा व्यू देख लीजिए अराइवल हॉल का गाइस। तो जैसे ही गाइस मैंने आपको एयरपोर्ट का पूरा व्यू दिखा दिया है एंट्री से लेकर अराइवल हॉल तक का, तो गाइस अभी और थोड़ा आगे चल के देखते हैं अगर कोई अच्छा सा व्यू दिखता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दिन में टाइम मिलता तो गाइस आपको रनवे पे फ्लाइट दिखाता गाइस, काफ़ी सारी फ्लाइटें खड़ी होती है इंडिगो की, एयर इंडिया की, लेकिन गाइस टाइम नहीं मिल पाया दिन में ब्लॉग बनाने का। गाइस अभी फ्री हुए हैं थोड़ी देर के लिए तो सोचा आपको कोई नहीं नाइट का ही व्यू दिखा देते हैं यहाँ का। कैसा लगा ड्यूटी करके? मजा आया बहुत। तो गाइस 15 दिन की ड्यूटी में काफ़ी मजा आया, नए नए सीखने को मिला। हाँ गाइस जैसे गैस आप देख सकते हैं इस समय अराइवल हॉल बिल्कुल खाली हो गया, आप कोई पैसेंजर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि गैस काफ़ी टाइम से लगातार फ्लाइटें आ रही थी, इस वजह से मुझे दिन में भी टाइम नहीं मिल पाया ब्लॉग बनाने का। तो देखिए गैस एक बार आपको विंडो से बाहर दिखा देता हूँ अगर आपको कुछ दिखाई देगा तो। अगर गैस दिन में मैं यहाँ तो आपको काफ़ी सारी फ्लाइटें दिखती है अलग अलग एयरलाइंस की, जैसे एयर इंडिया, इंडिगो और भी काफ़ी सारी गाइस। तो देखिए गैस विंडो से एक बार मैं आपको बाहर का व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए गैस आप बाहर रनवे का व्यू देख सकते हैं। ये देखिए गाइस इस समय रनवे बिल्कुल खाली पड़ा है, जितनी भी फ्लाइटें आई थी सारी फ्लाइटें यहाँ से जा चुकी है गाइस। ये देखिए गाइस काफ़ी दूर फ्लाइटें खड़ी हुई है अगर आपको दिखाई दे रही हो तो। ये देखिए गाइस तो जैसे ही गाइस मैंने आपको पूरे अराइवल हॉल का व्यू दिखा दिया है, गाइस रात के टाइम आपको एयरपोर्ट के बाहर का व्यू ज़्यादा अच्छा तो देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन गाइस मेरे पास दिन की कुछ फोटोज़ है तो वो मैं ऐड कर दूंगा, आप उन फोटो को देख लीजिएगा। उन फोटो के अंदर आपको दिन में बाहर का व्यू दिखाई देगा गाइस। तो ये देखिए गाइस हमारी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। अरे बाहर ही बनाऊंगा यहाँ मेरा लोग बाहर ही। तो ये देखिए गाइस जैसा कि आपको हमने दिखाया था 5 नंबर गेट से हमने अपनी ड्यूटी की एंट्री की थी और गाइस 5 नंबर गेट से हमने एग्जिट कर लिया। हमारी लास्ट दिन की आज ड्यूटी थी जो कि खत्म हो गई है एयरपोर्ट से। आज देखते हैं गाइस नेक्स्ट टाइम कब हमें मौका मिलता है दोबारा एयरपोर्ट ड्यूटी पे आने का। तो देखिए गाइस एक बार ये बाहर का व्यू देख लीजिए नाइट का एयरपोर्ट के। हमारी ड्यूटी आज समाप्त हो चुकी है, 15 दिन की जो हमारी ड्यूटी थी आज कम्प्लीट हो गई है गाइस। तो ये देखिए गाइस करीबन 10:30 बजे हम एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं गाइस अपनी ड्यूटी करके, 10:35 हो चुके हैं गाइस। तो जैसे ही गाइस मैंने आपको एयरपोर्ट ड्यूटी का अपना पूरा व्यू दिखा दिया है गाइस,
ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सही ब्लॉग के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे गाइस मिल सके। तो गाइस इस ब्लॉग के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।